मिनी ऑक्सन और चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी कई बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं सामने। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट्स के बारे में। वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहें तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन भले ही आईपीएल 2022 में कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन ये वो टीम है जो कभी भी वापसी कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 की तैयारियां अभी से शुरू करने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हमें कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पहली अपडेट है फैफ डुप्लेसी को लेकर के। आपको बता दें, फैफ डुप्लेसी चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। हालांकि आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स ने फैफ डुप्लेसी का साथ छोड़ दिया था। खबरों की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम मैनेजमेंट फैफ डुप्लेसी को दोबारा अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। आपको बता दें, फैफ डुप्लेसी इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान भी हैं। यहां पर फैफ डुप्लेसी का चेन्नई की टीम में वापस आना सिर्फ एक ही तरीके से संभव है और वो है ट्रेड विंडो। अब देखने वाली बात ये होगी फैफ डुप्लेसी की वापसी होती है या नहीं। यहां पर दूसरी बड़ी अपडेट सुरेश रैना को लेकर के आ रही है। आईपीएल 2022 में कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को सुरेश रैना की कमी खली थी। सुरेश रैना ने अभी से आईपीएल 2023 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वो लगातार जमकर पसीना बहा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो आईपीएल 2023 से पहले अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अपने इस पुराने खिलाड़ी को दोबारा खरीद सकती है। यहाँ पर तीसरी बड़ी अपडेट तेज गेंदबाज दीपक चाहर को लेकर के आ रही है। आपको बता दें, दीपक चाहर पिछले 6 महीने से चोटिल होने की वजह से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। आईपीएल 2022 में भी दीपक चाहर नहीं खेले थे, लेकिन अब दीपक चाहर पूरी तरह से अपनी चोट से रिकवर कर चुके हैं। आने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया में दीपक चाहर की वापसी हो सकती है। आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में सुरेश रैना की वापसी होनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।